नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल की। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर पे अपना जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है उसमें एक आउटर वेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी और हम ये देखना चाह रहे थे कि वो सारी की सारी वैल्यूज सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यूज आई थी और इन वैल्यूज के थ्रू हम ये देखना चाहेंगे कि क्या सारी वैल्यूज हमारे सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास HTML के फॉर्म में, हम इसी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। वैसे तो जो डिफॉल्ट रिपोर्ट आई है इसमें भी हम पाथ कोफिशिएंट इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो O लिखा हुआ है और प्लस ये सैंपल मीन है, इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज आई है। ठीक है, तो ये आउटर वेट हमारा यहाँ पे देखिए ये वाला है आउटर वेट। ये पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू थी, ये आउटर वेट की है। तो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो सारी अवेलेबल है। अभी हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो आउटर वेट की, जो भी आउटर वेट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यूज है। अभी इसको हमने जो है HTML के फॉर्म में भी लिया है तो ये इसमें आउटर वेट हम देखते हैं, आउटर वेट ये वाला है। ठीक है, आउटर वेट आ गया है। इसको देखिए, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज इस तरीके से शो की हुई है, जिसमें हमें दिया है आउटर वेट के लिए ये जो वैल्यूज हैं, ये तो वैल्यू है आउटर वेट की। ठीक है, ये आउटर वेट की वैल्यू आ गई, ये सैंपल मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और ये इसका स्टैंडर्ड एरर आ गया और फिर जो है इसमें जो है टी वैल्यू भी निकल कर आ गई है। ठीक है, इसको हमने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, अलग से टेबल बनाई है। ये देखिए, इसमें हमने जो है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कंस्ट्रक्ट है एम्बियंस वन, तो हमें इन चारों की एम्बियंस वन, एम्बियंस टू, एम्बियंस थ्री, इन चारों का हमें वो निकालना है आउटर वेट की वैल्यू की ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसकी जो आउटर वेट की वैल्यू तो ये आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ये आ गया, प्लस स्टैंडर्ड एरर आपका 0.10 आया, प्लस ये हमने निकाली टी वैल्यू जो है हमारी 2.46940। टी वैल्यू हमारी कैसे आई है, ये जो आउटर वेट को जब हमने स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, आउटर वेट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। तो जो भी वैल्यू हमारी टी टेस्ट की 1.± 1.96 से ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर जो हमारा आइटम है वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के लिए। जैसे ये एम्बियंस वन जो मैंने क्वेश्चन लिया है एम्बियंस वन का, वो एम्बियंस को जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे ये भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्बियंस को। इसी तरीके से जो चारों हैं इन में हम देखेंगे कि सभी की 0.96 से वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे ही अब जो दूसरा हमारा फॉर्मेटिव है कंस्ट्रक्ट वो है जैसे रेस्पॉन्सिवनेस, तो रेस्पॉन्सिवनेस में भी देखिए 4.47 आ गया, 3.30, 2. तो यहाँ भी हमारे जो तीन आइटम्स हैं उनकी वैल्यू 1.96 से ज़्यादा है। और तीसरा जो था हमारा फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल वो था सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में हमारे पास तीन वैल्यू आई हैं, पहले वाले क्वेश्चन की जो वैल्यू है 3.33, दूसरे की 1.21, ये बेसिकली 1.96 से कम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉट सिग्निफिकेंट है, कि इसकी वजह से जो सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है, जैसे सिक्योरिटी को डिफाइन करने के लिए हमें तीन क्वेश्चन हैं तो इसमें से दो का ही ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपने जो भी फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल के इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें तो जो आउटर वेट सिग्निफिकेंट टेस्टिंग जो रिजल्ट आया वो ये आया, इसमें केवल एक ही
ऐसा आइटम है जिसको हम डिलीट कर सकते हैं। दूसरी बात कर रहे थे हम कोलिनिटी की, ठीक है। अब कोलिनिटी जो है, कोलिनिटी हम एस्पेसिस के थ्रू हम करेंगे, क्योंकि कोलिनिटी का कोई भी ऐसा, कोलिनिटी जो है स्मार्ट पीएलएस में हमारे पास कोई इसकी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे हम कोलिनिटी निकाल सकें दो वेरिएबल्स के बीच में। कोलिनिटी निकालने के लिए हमने रिग्रेशन और फिर जो है ये लीनियर, ठीक है, लीनियर पर आ गए। हमें जो है तीन हमारे बेसिकली फॉर्मेटिव के क्वेश्चंस थे, फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल के, तीनों को हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिया और कोई भी एक जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे लॉयल्टी एंडोजीनियस है तो उसमें से केवल एक ही को हम डिपेंडेंट लिस्ट में लेंगे और इसके बाद जो है कोलिनिटी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कोलिनिटी डायग्नोस्टिक्स करना है ना, टिक। इसको टिक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास, हमने इसको ओके किया तो हमारे पास जो है इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और रिजल्ट्स देखिए कि ये जो VIF है ना या टॉलरेंस, किसी एक को ले लीजिए, VIF की जो वैल्यू है वो 5 से कम होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारी 1 के आसपास है लगभग तीनों वैल्यू, तो ये डिजायरेबल है। या टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो 0.2 से ज्यादा होनी चाहिए तो वो भी है। तो बेसिकली ये है कि VIF जो है ये टॉलरेंस का ही इनवर्स है ना, तो ये कोई नई चीज नहीं है। इसको हम इस तरीके से देखिए भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास जैसे ये है 0.894, तो ये है 0.894, इसका हमने जब 1/x किया तो ये आ गया 1.18, देखिए है ना, तो ये भी 1.19 आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो, इसमें कोई कोलिनिटी का इश्यू नहीं है। कौन से कंस्ट्रक्ट में, सिक्योरिटी में। इसी तरीके से अब हमें जो चेक करना है सिक्योरिटी के बाद, एक एम्बियंस भी हमारे पास एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, इसका भी हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई मल्टी कोलिनिटी का इशू तो नहीं है। तो ये तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पर हटा लिए। अब एम्बियंस के जो चार क्वेश्चंस हैं इसमें हम देखते हैं कि ये कोलिनिटी हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि कोई भी जो दो वेरिएबल हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अनरिलेटेड होने चाहिए, जिससे वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट को फॉर्म कर रहे हैं तो वो आपस में अलग होने चाहिए, उनमें कोलिनिटी इशू नहीं होना चाहिए, जबकि उसमें डिजायरेबल होता है। अगर हम रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल में हम देखें तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिजायरेबल नहीं है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोलिनिटी का कोई ऐसा इशू ना आए। अब देखिए एम्बियंस का भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोलिनिटी तो नहीं है इन वेरिएबल्स में। एम्बियंस का देखिए ये रिजल्ट हमारे पास आ गया और एम्बियंस के चार क्वेश्चंस थे, इसमें भी देखेंगे हम कि 1 के आसपास ये सारी वैल्यूज है, क्योंकि जो VIF की वैल्यू है 5 से कम होनी चाहिए और ये वैल्यू हमारे पास 1.2, 1.5, तो 1 के आसपास ये सारी वैल्यूज है, तो इसका मतलब है कि कोई कोलिनिटी का इशू इसमें नहीं है। अब हम तीसरा जो हमारा है सिक्योरिटी, उसका हम देखते हैं कि इसमें कोई कोलिनिटी का इशू तो नहीं आ रहा है। तो इसमें हमने तीनों क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चंस को वापस हमने भेज दिया और जो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस थे हमारे पास, सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिवनेस के हमने जो तीन क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर लिया और फिर इसका जो है क्वालिटी हमने चेक की। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कोई क्वालिटी का इशू नहीं आ रहा है। देखिए ये भी 1.14, 1.3, ठीक है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में जो है हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।